तो हेलो गाइस, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हैं क्रिएटिव नरू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं वो प्लगइन बनाकर दिखाने वाले हैं। तो एकदम ये 0 पैसे में बन जाती है, तो इसमें कोई भी खर्चे वाली बात नहीं है। जो हम बाज़ार से जाते हैं 10-20 रुपये में हमें एक प्लगइन मिल जाती है, तो ये एकदम फ्री है। तो आप इसे घर पर बना सकते हैं, एकदम फ्री है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं इसे बनाने के लिए जो बॉटल कैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर हमें एक मार्किंग के लिए चार्जर का हेड ले रहा हूँ। तो लेने के बाद उसके जो पिन है उस पर फेविकॉल लगा रहा हूँ। तो लगाने के बाद हमें इस तरह से बॉटल के कैप पर मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से मार्किंग करने से जो हमारी प्लग पिन है बनने वाली है वो अच्छे से वर्क करेगी, और फिर हमने जहाँ मार्किंग की थी वहाँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से होल कर देनी है। तो आप चाहे तो ड्रिल मशीन की मदद से भी इसे होल कर सकते हो। होल करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इसके ऊपर जो हमारा प्लास्टिक लगा है उसे मैं ब्लेड की मदद से आसानी से फिनिशिंग दे रहा हूँ। अब भी ब्लेड की मदद से आसानी से इसे फिनिशिंग दे सकते हो। फिर मैं एक पॉलीकैप 2mm वाली वायर ले रहा हूँ। तो फिर हमें इसको 2 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर वायर को छील रहा हूँ। तो छीलने के बाद हमें जो अंदर वाली कॉपर वायर निकली है उसको मैं जैसा पीछे की तरफ मोड़ रहा हूँ उस तरह आपको भी मोड़ना है। तो इस तरह से हमें 2 वायर को छील कर एक प्लग पिन की तरह बनाना है। तो देखो, हमारे बहुत ही अच्छे से बन चुकी है, एक पिन की तरह ही दिख रही है। फिर हमें इन पिन को उस बॉटल के कैप में घुसा देना है। तो मैं जैसा घुसा रहा हूँ आप देखकर घुसा सकते हैं। तो दोनों वायर को इस तरह से घुसाने के बाद हमारी जो प्लग पिन है वो 70% बनकर रेडी है। तो अब हमें पीछे से अच्छी तरह से ग्लू गन के मदद से ग्लू भर देना है, ताकि जो हमारी प्लग पिन है अच्छे से वर्क करे, जो पिन है वो हले नहीं। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा ग्लू गन भरने के बाद। तो ये बहुत ही मजबूत बना है। तो फिर हमें जो दूसरी वाली बॉटल की कैप है उसको लेकर उसी तरह से सोल्डरिंग आयरन की मदद से होल कर देने हैं। तो होल करने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा पिन निकली है बाहर, तो उसे उस होल से निकाल कर कैप को अच्छी तरह से लगाने के बाद उसे भी सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं। तो चलो मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका दे रहा हूँ। सुपर ग्लू की मदद से भी अच्छे से चिपक जाएगा। तो फिर हमारी जो प्लग पिन है 100% बनकर